युगो पहले, टीवीए से पहले, मेरा ही एक रूप 31वीं सदी में पृथ्वी पे रहता था। ये एक साइंटिस्ट था और इसने खोज लिया कि उसका ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों का एक हिस्सा है। ठीक उसी वक्त मेरे कुछ दूसरे अवतारों ने इस सच को समझ लिया। जाहिर है वो आपस में मिले और कुछ देर तक बड़ी शांति रही, दिखावे की आत्मकामी वाली शांति। अपने ब्रह्मांड की बस चीजों से एक दूसरे की मदद की। दुनिया का मतलब था अपनी हुकूमत को और बढ़ाना। इन ब्रह्मांडों की शांति बहुत जल्द एक महासंग्राम में पलट गई और हर एक वेरिएंट अपनी दुनिया बचाने और दूसरों की मिटाने में जुट गए। यूं समझो कि कहानी खत्म। हर दुनिया की हर चीज का हमेशा के लिए किस्सा खत्म। मेरे पहले अवतार को एक ऐसा जीव मिला जो सृष्टि के सारे दर्द से जन्मा था, जो निगल सकता था समय और ब्रह्मांड को। और उस जीव को तुम दोनों जानते हो, अलायत। सही कहा। फिर मैंने उस जीव को काबू किया और अपने प्रयोग शुरू किए। उसे हथियार बनाया और खत्म किया। मैंने खत्म किया ब्रह्मांड का महायुद्ध। फिर जब मैंने अपनी समय रेखा अलग कर ली तो मुझे बस समय के बहाव को संभालना था और आगे की शाखाओं को रोकना था। इसलिए बना टीवीए, इसलिए बने समय रक्षक और ये कर्मठ कर्मचारियों से भरी अफसरशाही, इसलिए युगो और युगो तक बनी रही शांति। इसलिए एहसान मानो।